इसी के चलते तुमको छोड़ना पड़ा। हम जो 17 में छोड़ करके गए और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नाश करने लगे, हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे और अंत में हम लोगों ने तय किया। आप सब लोगों से बात होती थी और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे। आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहाँ सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहाँ पर है और आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे बैठो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है, अरे भाई ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय बच्चे हो जान लो, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे और जब हम अलग हो गए थे जनता दल से जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे बताइए। अरे बच्चे अटल जी, अब बैठिए, सफर में जरा सा अटल, श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, आई सब केंद्र में थे, मालूम है? बच्चे हो जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे, ये उस समय हम लोग उनके साथ थे। और सारा काम जो शुरू करवाया गया सब कुछ, और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय, ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए 13 में जी, हमको कितना मानते थे सब लोग, तीनों लोग सारे नेता जो सबसे बड़े नेता थे जब पहली बार ये पार्टी बनी, तब अटल जी और उसके बाद बोलिए अडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे, एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे, और उसमें हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको कहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार किया, अलग से कैबिनेट मिलाए, सब एक एक मेरी बात मानते थे। तो हम तो चाहते थे, जरा जान लीजिए, 13 में अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं इन लोगों का होना चाहिए, अडवाणी जी का, हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है? श्रद्धेय आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से, कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो जान न लो जरा, अब जो आ गए ये आ गए ही कोई काम किए हैं जी, खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है? अरे बच्चे जो अंडरग्राउंड बोलो, आगे जगह मिलेगा, बढ़िए जब बोलोगे अनाप शराब। अब आज बेचारे बोले हैं तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शराब तो शायद मौका मिल जाए आपको, नहीं तो हल्ला सुन रहे थे कि इसी को मौका मिलने वाला है। जो भी को मौका मिले, जो बोलिएगा अनाप शराब। अरे बैठिए ना, आपसे कोई आज का, हम बीजेपी से अलग थे तब भी ना रोज हमसे मिलते थे आप, बताइए तो ये सब काहे बोल रहे हैं? हाँ बोलते जरूर रहिए, और अच्छा है। अब आप कोई भी बोलेगा, बोल चुके हैं, और उसको जो मान लीजिए बाद में जगह नहीं मिली, हमारी तकलीफ जान लीजिए, जो पहले हमारे साथ सब मिलकर के काम करते थे और उनको मौका नहीं दिया, तो इसीलिए सब समझ आप जरा जान लीजिए। हमको एक एक आदमी, अरे यार क्या बात करते हो, बच्चे छोड़िए, अच्छा है। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना? भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा, आप लोगों में से जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा, आप जान लीजिए। यही है आप लोगों की पार्टी।
सुनना नहीं चाहते हैं, आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जितना देर भागोगे है? कितना कितना मानते रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे खिलाफ बोलो, आप बोलोगे तो कोई जगह तुमको केंद्र वाला देगा। ये जरूर करो, जरूर करो, और जब जगह मिलेगा हमको अच्छा लगेगा कि कम से कम मिले। और आप सब लोग एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, हमने कितना आप सब लोगों का ख्याल रखा। हमारे पार्टी के सब लोगों ने समझ लिया कि ये लोग सारे लोग अब आप चले गए, अच्छा है, आप थोड़ी विरोध करिएगा। आप ये ना बताइए, सात पार्टी इधर है, एक पार्टी भी समर्थन कर रहा है, आठ पार्टी, तो आप लोग ना जाइएगा, नहीं तो कुछ है आपका, कुछ है, इसलिए इसलिए भाग रहे हैं। आज जब कहा गया होगा, कहा गया होगा, ऊपर से कहा गया होगा, इसलिए भाग रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों में से किसी ना किसी को जगह मिलेगा। तो ये सब काम जो हो रहा था, इसी के चलते तो हमको छोड़ना पड़ा। हम जो 17 में छोड़ करके गए, और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नाश करने लगे, हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे, और अंत में हम लोगों ने तय किया, आप सब लोगों से बात होती थी, और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बस आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है, लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। एक बार अगर किन्हीं को मौका मिला, काम नहीं मिला, अब तरह तरह का नाम दे रहे हैं। आजादी से क्या मतलब था, 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा ये होगा, अरे भाई आजादी की लड़ाई में कहां थे, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे। तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं, समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव एक एक जात हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। आई क्या चीज है, ये तो भाग गया, ये भाग गया। आप लोग भी जान लीजिए, 2010 में हम इन लोगों के हमारे साथी थे, लेकिन आप जानते हैं माइनॉरिटी ने वोट किया, और कहां किया, गया में भी वोट दिया, सारे पत्रकारों ने वहां से वोट किया कि मेरे साथ दे, मेरा साथ दे रहे थे, और मेरे चलते मेरे लाई बीजेपी को भी मुस्लिम लोग साथ दे दिए थे गया में। और आज गया में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या गया के बारे में बोल रहे हैं, जो हम एक एक चीज वहां पर काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ झंझट पैदा करना समाज में, और जब सब एकजुट होकर के रहेंगे तो उसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा। और याद करिए, जब आजादी की लड़ाई हुई थी उस समय की स्थिति को पैदा करिए फिर से। अब इतना दिन हो गया, 75 साल हो गया, तो नई पीढ़ी के लोग भूल जाते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं, आप जानते हैं, हम तो पूरे बिहार में
बापू का एक एक चीज हम लोग स्कूल हर जगह पर पहुंचा करके और जो आजादी की लड़ाई में जो हुआ उन सब लोगों की बात को पहुंचाने का हम काम कराते रहते हैं, ताकि नई पीढ़ी के लोग एक एक चीज को जाने, नहीं तो ये लोग अपना बात खाली चलाएंगे, धीरे धीरे सबको खत्म कर देंगे। अभी तो नई आज चीज है ये ना, ये सब जितना सब चीज आ गया है इसी को देखते हुए। और फिर अब तो कितने ज्यादा आप प्रेस वाले भी जो इंडिपेंडेंट रहते थे अब क्या बोले, यहां अंदर अंदर उसमें क्या क्या किया जा रहा, ताकि एक तरफा सब अब जो मन करे जितना दुष्प्रचार करे करें, लेकिन हम लोग मिल करके काम करेंगे और पूरे देश में सब लोगों को एकजुट करेंगे, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। और ये लोग भाग गए हैं, इस लोग इसलिए भाग गए हैं कि सुनना नहीं चाहते ना, अब समझ लीजिए सच्चाई बात है, सच्ची बात को सुन करके नहीं जाना चाहते। हम मेरे सामने कितना बात बोल देते थे, लेकिन फिर भी वहां से आकर के बोला जाता था। आप बताइए ना, जब इन लोगों की मीटिंग हो रही थी क्या नहीं हुआ, हमने तो सबको साथ दिया, एमपी के चुनाव, एमपी कह रहे हैं इसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, सब कुछ कर दिया। हमारे लोग सब बोल रहे थे नहीं भाई, एक बार कह दिया है, मुझको फोन आया, हम उस समय नहीं, उसके बाद ही हम लोगों ने सब आपस में बातचीत और तय किया कि आगे हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में, और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। कि साथ में थे अब जो सरकार में थे तो कैसा कैसा प्रचार करते रहते थे बताइए ना, तब जब हम लोग हैं तो मिल करके एक एक जगह काम करें, एकजुट होकर के काम करें और सब लोगों को प्रेरित करें और याद करा दें आजादी की लड़ाई को, याद करा करके हर चीज को याद कराते हुए जब मिल करके सब लोगों को कर देंगे तो जा करके लाख चाहे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भाई हम तो 13 में बता दिया कहे छोड़े, और जो पुराने लोग हैं उनसे कोई पूछ ले हम लोगों के बारे में क्या उनका राय है, अब बाकी में जो हो आप लोगों को जो चलाना हो चलाइए, हमको कोई मतलब नहीं, जो इच्छा हो करते रहिए अपना, लेकिन हम लोग तो एकजुट होकर के चलेंगे और निश्चित रूप से समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये टक्कर पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, ये सब चीज हम लोग नहीं होने देंगे और मिल करके हम लोग सबको एकजुट किए रहेंगे ताकि समाज इधर से उधर नहीं हो। अब कुछ लोगों को बहुत तरह से अंदरूनी कारण से कोई किसी तरह से कहीं फंसा हुआ है और उसको कहा जाएगा देखो ये काम करो, तो हो सकता है कोई इधर से उधर करे, लेकिन जो लोग भी हैं सब लोग मिलकर के समाज को करेंगे। और आप सबको तो मालूम है, सब लोगों को और सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अभी तो भाग गए, ये रहते तब ना इनको हम और बात बताते, लेकिन अभी भाग ही गए, अभी और मौका मिलेगा तब इनको तो हम एक एक चीज इनको हम बता देते कि क्या हो रहा था जी। लेकिन चलिए तो अब इनको जो इच्छा हो, अब कोई सवाल नहीं, और आगे आगे इनको ठीक ढंग से पता चलेगा। और आप जान लीजिए हम तो आप लोगों के साथ हैं, हमको भले ही आज हम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको व्यक्तिगत कुछ इच्छा है, हमारी एक ही इच्छा है कि सब एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं, हम सबका साथ देंगे। आप सब लोग मिलकर के आ गए, अभी बहुत खुशी की बात है, इसलिए अब यही कहेंगे हम कि आप सब लोगों से और अनुरोध करेंगे कि जो हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव को सब लोग मिलकर के इसको पारित करिए, तो भागिए गए अपना देख ना लिए भाग गए, नहीं तभी रहते तभी तो हम और इनको